पात्रा से रैगिंग की गई है। रैगिंग का विरोध करने पर कपड़े फाड़े, सरेआम पिटाई की गई है और इसी के साथ रांची निवासी छात्रा को यहां पर बाल पकड़कर घसीटा गया है। 5 महीने से सीनियर कर रहे थे MBBS छात्रा की रैगिंग यहां पर, इसकी वजह से काफी परेशान थी। PG पहुंचे थे आरोपी छात्र, नशे की हालत में उसे कहा गया हापुड़ के प्रतिष्ठित परिवारों के लड़के हैं ये 5 आरोपी छात्र। अमीरों के बच्चों की गुंडाई को कॉलेज ने दबाए रखा, काफी मशक्कत के बाद महज मारपीट में केस दर्ज हुआ है। अनवरपुर में है सरस्वती मेडिकल कॉलेज जहां का है पूरा मामला। बताया जा रहा नशे के हालत में छात्रा के साथ बदतमीजी की गई है। यहाँ पर अमीरों के बच्चों की गुंडाई को छुपाने के लिए कॉलेज ने यहाँ पर पूरी कोशिश की लेकिन काफी मशक्कत के बाद महज FIR तक ये मामला सीमित हुआ है। इस पर कोई कड़ा एक्शन अभी तक हालांकि नहीं हुआ है। और उसके बाद रैगिंग का विरोध करने पर कहा जा रहा है कि कपड़े फाड़ दिए गए, सरेआम यहाँ पर पीटा गया था छात्रा को। यहाँ पर 5 महीने से सीनियर लगातार उसे मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे और शारीरिक प्रताड़ित भी कर रहे थे। नरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, यहाँ पर मेडिकल की छात्रा बताई जा रही इंटर्नशिप का जरा वो करती थी यहाँ पर और उसके साथ ये घटिया शुरू, इसके बाद भी कॉलेज इस पर खुलकर बोल क्यों नहीं रहा? देखिए, ये रांची की निवासी एक छात्रा है जो यहाँ MBBS में इंटर्न कर रही थी। हाँ। जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है उसी में और ये PG में रहती है। तो इसके साथ पिछले कई महीनों से इस तरह का जो कृत्य है वो हो रहा है। इसको लगातार शराब पिलाने का दबाव बनाया जाता है। जो सीनियर्स हैं वो इससे तरह तरह की बातें मनवाने का प्रयास करते हैं, दबाव बनाते हैं। और जब ये PG में थी तो उसी समय शराब पीकर ये 5 लोग जिनमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल हैं ये यहाँ पहुंचे और इन्होंने इस लड़की को शराब पिलाने का दबाव बनाया। जब छात्रा ने मना कर दिया तो उसके बाद इसकी पिटाई की गई, इसको बाल पकड़ के घसीटा गया और इसके कपड़े भी फाड़े गए, जैसा आरोप इसने लगाया है। इस पूरे मामले में काफी नानुकुर के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है 5 आरोपियों के खिलाफ, लेकिन फिलहाल ये मामला केवल मारपीट की धाराओं में है, इसमें रैगिंग की धाराएं नहीं लगाई गई हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि ये जो छात्र हैं, आरोपी और छात्रा, ये हापुड़ के ही प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे हैं और इसी मेडिकल कॉलेज के, जो सरस्वती मेडिकल कॉलेज है, इसी के छात्र और छात्रा हैं, साथ ही पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो रैगिंग का जिन है वो इनके दिमाग से नहीं उतर रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना, एक लड़की जो रांची की रहने वाली है, यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है, उसके साथ हो गई, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने के प्रयास में लगा रहा और अंतिम समय तक छात्रा ने शिकायत की कॉलेज में, उसके बावजूद भी इस पूरे मामले को दबाया गया और छात्रा के बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।